ना गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं। मैं नहा ली थी और खाना वगैरह भी बना लिया है। अब मैं जाऊंगी वैदिक को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बस अभी सारा काम मैंने डन कर दिया है। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी जा रही हूँ वैदिक को स्कूल से लेने के लिए। मेरे कान में दर्द हो रहा था ना, उसकी वजह से 2 डेज में सो नहीं पाई। तो अब जाकर मुझे 1 घंटे की नींद आई। वैदिक को 9 बजे सोई, फिर 10:15 बजे मैं उठ गई थी। तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, नहीं तो ना मुझे। और सुबह जल्दी उठ गई थी 4:30, तो नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अब जाकर थोड़ा सोई हूँ ना, रिलैक्स फील हो रहा है। अब मैं उसको लेके आती हूँ। जयपुर से आने के बाद ना मैं थोड़ा रेस्ट ही नहीं हो पाया है मेरा बिल्कुल भी। अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट हुआ है और आज वैदिक है फाइनली KG में, और बड़ा एक्साइटेड था। और अब उसकी KG की क्लास तो हो गई है। मैं अभी वैदिक के स्कूल आ गई हूँ और मैंने शॉपिंग की है। दिखाती हूँ आपको मेरी शॉपिंग मैंने ये ख़रीदा है। और ना मेरी ड्रेस भी मैचिंग है ना। मॉब ख़राब हो गया था तो ये लेके आना था, तो रास्ते में ही इसके नारपुर पड़ता है, वहाँ से मैंने ये चीज़ ली। और बस और कुछ नहीं लिया, यहीं पर शॉपिंग एंड भी हो गई मेरी। तो बस मोप लिया और फिर अब वैदिक का वेट कर रही हूँ, फिर घर पे जाऊँगी। और आज मैं गन्ने का जूस पीऊँगी, बहुत दिन से मन कर रहा है मेरे को गन्ने का जूस पीने का, तो अच्छा रहता है। गर्मी आ गई ना, जूसेस अच्छे लगते हैं। ऑरेंज का वैदिक को पसंद है, मुझे गन्ने का जैसे मीठे जूस जो होते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे खट्टे जूस पसंद नहीं आते। वीडियो बनाई थी सर्दी जुकाम के ऊपर लेके, और मेरी जैसी इतनी मूर्ख लड़की ने क्या किया, उस सारी एडिटिंग करी हुई वीडियो को ना मैंने डिलीट मार दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने सोचा शायद वो ओल्ड वीडियो है, तो मैंने उसको डिलीट मार दिया। जब आज उसको अपलोड करने का टाइम आया था, जब देखा तो मेरे मोबाइल में वो वीडियो थी ही नहीं। तो मैंने उसको, इतना गंदा लग रहा है मुझे कि इतनी मेहनत की, 13 सेकेंड वो मिनट्स की वो वीडियो थी, और इतना डिटेल में मैंने उस चीज़ को बताया था आप लोगों को, और वो चली गई। तो फाइनली उसको दोबारा से शूट करूँगी और फिर आप लोगों के लिए वापस से डालूँगी। हम लोग आ गए हैं वैदिक को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके। और 2 दिन तो बहुत टायरिंग जा रहा है मेरा, क्योंकि अभी बेचारा स्कूल से आया था, फिर नहा कर सोया था, सुबह नहा कर नहीं गया था। तो अब तो नहा के वैदिक नमस्ते करो फ्रेंड्स को। तो बस वैदिक को अब यहाँ पे स्केटिंग करवाती हूँ और फिर जाती हूँ घर पर। कैसा लगा? अच्छा। यम्मी है? अच्छा बनाया है। आज वैदिक के लिए मैंने ना सब्जी बनाई और वैदिक के लिए राइस बनाया। वैदिक को पसंद आया है, बार बार मेरे हाथों को चूम रहा है। इसको जब भी खाना अच्छा लगता है ना, तो मेरे हाथों को चूम चूम के मेरी इतनी तारीफ करता है। इतनी तारीफ अगर किसी शेफ को मिल जाए ना, तो रोज खाना बनाए बहुत खुशी खुशी। अरे मेरा बच्चा खा ले, जब भी इसको खाना अच्छा लगता है ना मेरे हाथ का, तब ऐसे हाथों को पूरा चूम लेगा मेरे, इसको बहुत पसंद आता है तब। अभी वैदिक को खाना खिला रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी। अभी भूख लगाया हुआ है मैंने, तो दोनों कान्हा जी को खाना खिला रही हूँ। इसको भी भूख लग जाती है सेम टाइम पे। फिर अभी लाकर इसके खाने में प्रसादम मिला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। कभी कभी ये वेट भी कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इससे वेट नहीं होता। 2-3 दिन से ना जैसे ये थकान बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसकी वजह से आप आँखों में देखो कैसे कितनी ज़्यादा थकान लग रही है। तो बस अभी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। और वैदिक दीवान क्या कर रहा है? खाना खा लो। यम्मी है वैदिक खाना खा रहा है ना, ऐसे नहीं करते। चलो मम्मा भी ले आए अपना डिनर।
मैं भी अपना डिनर करती हूँ, 8 बजने वाले हैं। तो आज मैंने बनाई है आलू की सूप वाली सब्जी पतली सी, और उसके साथ चावल, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी चने और लौकी की दाल, तो रात को हैवी ना हो जाए इसकी वजह से मैंने ये बनाई थी। और बैंगन बनाए थे सुबह, तो फिर मैंने ये बना ली। लौकी डाली थी सुबह, तो लौकी रात में खाने का मन नहीं था, फिर हमने आलू की सब्जी बना ली।